बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ अर्शी एक्सपर्ट ड्रेसेस में। आज मैं ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनर स्लीव्स बनाऊंगी। ये स्लीव जो है हम ब्लाउज में बना सकते हैं, फ्रॉक में भी और शर्ट में भी, कमीज में भी, टॉप वगैरह में बना सकते हैं। ये मेरे पास स्लीव्स की कटिंग है और इस स्लीव में मैं इस कपड़े का इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने डिज़ाइन के लिए इस कलर का कंट्रास्ट कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले मैं बुकरम पे अपनी डिज़ाइन का पैटर्न बनाऊंगी। तो इसके लिए हम पहले बुकरम लेते हैं। हमें बहुत छोटा सा बुकरम चाहिए होगा। इस तरीके से बुकरम को पहले फोल्ड कर लें। ये देखें, इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम अपने डिज़ाइन का पैटर्न बनाते हैं। पहले हम अपनी डिज़ाइन की मेजरमेंट के निशान लगाएंगे। तो हमारी जो डिज़ाइन है वो हमारी स्लीव्स में इस हिस्से में हम बना रहे हैं। तो ये तकरीबन हमारी बनेगी तैयार जो है डिज़ाइन, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 4 इंच की। तो हम पहले 5 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखें, 5 इंच की लंबाई का इस तरीके से निशान लगा लें। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक 5 इंच की लंबाई का मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं अपनी डिज़ाइन को इस तरीके से शेप दूंगी कि पहले मैं यहाँ पे आधा इंच का निशान लगा लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने आधा इंच का निशान लगा लिया है। आधा इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं रखूँगी 2 इंच और मैं इसको इस तरीके से शेप दूंगी। यहाँ से गोल और यहाँ से इसको इस शेप में, ये देखें। और फिर हम यहाँ से भी आधा इंच रखेंगे। ये देखें, इस तरीके से आधा आधा इंच का निशान लगा दिया हमने। अब हम इसको लाइनिंग कर लेते हैं। देखें, इस तरीके से ये हमारे डिज़ाइन का पैटर्न जो है वो बन गया है। अब इसको हम काट लेते हैं। इसको भी काट के हम निकालेंगे। अब इस बुकरम को हम रफ कपड़े पे प्रेस की मदद से चिपकाएंगे और फिर हम अपना स्टिचिंग का काम शुरू करेंगे। व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने बुकरम के पैटर्न को जो है रफ कपड़े पे लगा लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोड़ के साइड से इसको कटिंग कर लूंगी। ये देखें, इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको हम पहले फोल्ड कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए भैया, जिस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है, अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे। स्लीव को इस तरीके से हम रखेंगे
और ये देखें, ये जो हमारा सेंटर है इसको हम इस तरीके से दबा देंगे। आप चाहें तो प्रेस कर लें ये इस तरीके से। अब ये जो हमारा है स्लीव का सेंटर, ये देखें यहाँ पे हमने प्रेस की मदद से लाइनिंग करी है। अब हम इसको इस तरीके से बीच में रखेंगे, ये देखें ये हमने इसको बीच में रखा। ये जो नोक है इस नोक को इस लाइन से हम इस तरीके से रखेंगे और ये देखें। अब हम इसको यहाँ पे पूरी सिलाई करके इसको फिक्स कर लेंगे। ये देखें वीर जी, इस तरीके से हमने लगा लिया है। अब हम इसको बीच में से काट देंगे, तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के हम इसको काटेंगे। तो इसका काटने का तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से डबल करें, ये देखें, और यहाँ पे बीच में हम इस तरीके से एक कट लगा देंगे। इसको हम अब आराम से बीच में से काट सकते हैं। इसको घुमाते जाएं और इसको काटते जाएं। व्यूअर्स, ये काटने के बाद अब हम इसको प्रेस की मदद से इस अच्छे तरीके से बिठा लेते हैं और फिर हम यहाँ पे अपनी डिज़ाइन का काम करते हैं। खूबसूरत लुक आ रहा है इसका, बिल्कुल परफेक्ट हमारी पैटर्न जो है डिज़ाइन बेसिक अच्छे से बन गई है। अब हमने जो ये कपड़ा लिया था डिज़ाइन के लिए रेड कलर का, तो अब हम इसका काम शुरू करेंगे। ये हमने मेजरमेंट के बगैर लिया है क्योंकि इसमें गेजिंग की सिलाई होगी, बड़े नंबर की सिलाई, और फिर इसको हम धागे को खींच के इसमें चुन करेंगे। तो इसकी मेजरमेंट कपड़े की, जैसे जितना बड़ा कपड़ा होगा इतनी ज़्यादा चुन होगी। तो अब हम इसमें शुरू करते हैं बड़े नंबर की सिलाई लगाना। थोड़े थोड़े फासले से हम सीधी सिलाइयाँ करते जाएंगे। शुरू में बड़ा धागा छोड़ेंगे, ये देखें। लास्ट में भी बड़ा धागा छोड़ना पड़ता है। इस तरीके से हम थोड़े थोड़े फासले से इसमें सिलाइयाँ कर लेते हैं। फासला जो है तकरीबन 1.5 इंच का है लाइनिंग का,
आप चाहें तो लाइन लगा के फिर इसके ऊपर सिलाई करें। ये हमने तकरीबन 4 सिलाइयाँ की हैं। अब मैं इसको एक एक करके धागे को खींच के सब इस तरीके से चुन कर लूँगी। देखें व्यूज, ये देखें ये हमने बराबर के चुन बना लिए हैं। अब हम अपने स्लीव्स लेंगे और इस स्लीव्स को हम इस तरीके से सेट करेंगे। देखें तो ये जो डिज़ाइन है हमारी इस तरीके से बीच में लगेगी। देखें इस तरीके से अब हम यहाँ से इसके ऊपर सिलाई करके इसको अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो पिनअप कर लें ताकि आपको लगाने में आसानी हो। ये देखें इस तरीके से अब हम इसके ऊपर यहाँ से सिलाई शुरू करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब आप ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा कपड़ा, उसको हम काट देंगे। हम अपने शेप के हिसाब से इसको काट के निकाल देंगे। देखिए और यहाँ से हम इस तरीके से काट देंगे इसको ताकि ये देखेंगे इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स की डिज़ाइन जो है बनी है। अब हम चाहें तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं इसको और ज़्यादा खूबसूरती देने के लिए। यहाँ से लगाना शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा हम थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे और यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे।
ये जो हमने थोड़ा सा छोड़ा था इसको हम थोड़ा फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। देखिए नोक बना लेंगे। देखिए ये देखें फिर ये हमारी डिज़ाइन तो है तैयार। अब हम यहाँ से पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने सीधे कपड़े की 2 इंच की पट्टी काट के रखी है, इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर यूँ लगाऊंगी। इस तरीके से अब मैं इसको यूं फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगा लूंगी। जो सिलाई है वो फिनिशिंग के लिए लगा रही हूँ। हाँ ये देखिए फिर इस तरीके से हमने अपनी स्लीव तैयार कर ली है। अब हम फिटिंग की सिलाई करते हैं। एक्स्ट्रा जो है हम साइड से काट देते हैं और अब हम अपने स्लीव को पलटाएंगे। अब व्यूअर्स ये देखें, ये हमारी ब्यूटीफुल सी डिजाइनर पार्टी वेयर स्लीव जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप देखेंगे ये कितनी खूबसूरत लग रही है। आप जरूर इसको ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।